Assalamualaikum dear students, I hope that you all are doing well. Take out your Oxford Progressive English books. Page number 4, unit number 1 elephants, text number 1 revenge. ये आपका लेक्चर नंबर 3 का ए पार्ट है. जो लेक्चर नंबर 3 का बी पार्ट है वो भी जो आज के दिन सेंड होगा आपको, वो आपने 5th पेज पर करना है. फिलहाल आप 4 पेज निकालें और हम वोकैबुलरी वाली एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज इन द ईमेल फ्रॉम लंदन व्हिच वर्ब मींस द सेम एज ब्लूम. जो लंदन से ईमेल था उसमें कौन सा वर्ब ब्लूम के साथ एक जैसा था, तो वो आपके पास कौन सा था. लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट वन इज ब्लॉसम. आप इसके आगे आगे लिखते जाएं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपने अपनी बुक्स पर लिखना है. फर्स्ट वन इज ब्लॉसम. नाउ सेकंड वन, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ लंदन. आपने क्या सीखा लंदन के पॉपुलेशन के बारे में, लंदन की आबादी के बारे में. तो सेकंड वन इज लुक एट द बोर्ड 10 मिलियन पीपल. थर्ड वन इज विच एडजेक्टिव मीन्स अमेजिंग. कौन से एडजेक्टिव का मतलब अमेजिंग था जो कि ईमेल्स में यूज हुआ था. थर्ड वन देखे बोर्ड पे आपके पास है एस्टाउंडिंग. अब फोर्थ वन आपके पास है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द लंदन पार्क्स एंड गार्डन्स. लंदन की खास, लंदन पार्क्स और गार्डन्स की खासियत क्या है. लुक एट द बोर्ड. फोर्थ वन इज द लंदन पार्क्स एंड गार्डन्स हैव अ लेक और अ पॉन्ड वेयर पीपल कैन रिलैक्स. उसकी खासियत क्या है कि उसके लेक्स के किनारे लोग बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज इन द ईमेल फ्रॉम मॉस्को व्हिच 3 नाउंस रेफर टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तो आपके पास कौन सी तीन चीजें, तीन जगह थी वर्शिप की, इबादत की. फर्स्ट वन है आपके पास चर्चेस, देन कैथेड्रल्स एंड चैपल्स. फिफ्थ नंबर. नाउ सिक्स नंबर, व्हिच एडजेक्टिव मींस हैविंग 8 साइड. कौन से एडजेक्टिव का मतलब था 8 साइड. तो सिक्स वन देखिए बोर्ड पे ऑक्टागोनल. इसके आगे आप ऑक्टागोनल लिखें. नाउ सेवेंथ नंबर, व्हिच नाउन मींस पार्टली मेल्टेड स्नो. इसका आंसर आपके पास क्या होगा, स्लश. नाउ एट नंबर, इन द ईमेल फ्रॉम हवाना व्हिच वर्ड्स आर यूज्ड टू रेफर्स टू अ विंग एक्सटेंशन व्हिच स्टिक आउट एट द बैक ऑफ ओल्ड अमेरिकन कार्स. तो इसके आगे क्या होगा, अमेरिकन कार्स विद देयर मेटल टेल फिन्स. मैंने आपको बताया था ना जिसमें मेटल टेल फिन्स के बारे में बात होती है. नंबर नाइन्थ आपके पास है इन द ईमेल फ्रॉम नेपाल व्हाट इज द नाउन फॉर अ नेपाली माउंटेनियर. तो नंबर नाइन्थ वाले का आंसर आपके पास क्या होगा, नेपाली शर्पा जो आपके पास था, टेंजिंग नॉर्गे. ये आप अपनी बुक पेज नंबर 4 पे वोकैबुलरी कॉलम के आगे आगे लिखते जाएं. अगर जगह ना हो तो आप साइड पे भी लिख सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स. टेक आउट योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक. पेज नंबर 5, ये आपका लेक्चर नंबर 3 का बी पार्ट है. लेक्चर नंबर 3 का जो ए पार्ट था वो मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिया था, जो कि वोकैबुलरी का पोर्शन था. पेज नंबर 4 पे आपने उसको करना है. नाउ लेट्स कम टू द सिंपल प्रेजेंट वर्ब टेंस. सिंपल प्रेजेंट वर्ब टेंस क्या होता है, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई नाउन या कोई सब्जेक्ट ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, हमेशा के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता. लेट्स रीड इट. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग कंडीशंस दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम्स. इसमें, इस टेंस में वो वाले कंडीशंस डिस्क्राइब होते हैं, वो वाले हालात से आपको आगाह किया जाता है जिसमें कोई वर्ब कोई नाउन आपके पास वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इसमें आपके हैबिट्स भी आ जाते हैं, आपकी रूटीन भी आ जाती है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई ड्रिंक 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, इसमें मेरी हैबिट्स भी आपको पता लग रही हैं और आपको प्रेजेंट टेंस भी शो हो रहा है. नाउ मोस्ट ऑफ द वर्ब्स इन द ईमेल्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ज्यादातर के जो वर्ब्स हैं जो कि ईमेल्स में हैं वो आपके पास कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि वो आपको अपने सराउंडिंग्स के आपके सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं.
जो कि हर दिन हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है वो. एग्जाम्पल्स, द कंट्री साइड इन इंग्लैंड इज वेरी ग्रीन. इधर इस आपको प्रेजेंट टेंस की निशानदही कर रहा है. द यॉर्क प्रोवाइड्स अस विद फूड. यहाँ प्रोवाइड्स आपको सिंपल प्रेजेंट वर्ब टेंस शो कर रहा है. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ब्स विच आर नॉट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको कहते हैं आपने हमें वो सेंटेंसेस बताने हैं जिसमें जो वर्ब है वो आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है. तो आइए वो सेंटेंसेस आपको हम टेक्स्ट में बताएंगे. जो ईमेल नंबर 2 है इसकी थर्ड लाइन में देखें. इन रेड स्क्वायर वी हैव सेंट बेसिल्स कैथेड्रल विच वॉज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी. इस वॉज से आपको पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस नहीं है. आपको उधर बताया गया कि हमें कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ब्स विच आर नॉट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपने हमें वो सेंटेंसेस बतानी है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की नहीं है, वो किसी और टेंस की भी हो सकती है. तो इधर हमने पास्ट टेंस की सेंटेंस सर्च आउट की है. पास्ट टेंस की सेंटेंस ही कैसी हुई, इस वॉज के थ्रू. In Red Square we have St. Basil's Cathedral which was built in the 16th century. इसमें आपको past के बारे में बताया जा रहा है. It's not your present tense. Now come to page 3. Email number 3, line number 5. In 1953, Tenzing Norgay, a Nepali Sherpa, became the first man with a New Zealander, Edmund Hillary, to reach the roof of the world, which is a mountaineer's name for the summit of Mount Everest. इसमें जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है became, इस became के थ्रू आपको पता लग रहा है कि ये आपके पास प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट टेंस नहीं है. ये भी आपके पास पास्ट फॉर्म की बात हो रही है कि पास्ट में ये जो नेपाली शेरपा था टेंजिंग नॉर्गे, जो न्यूजीलैंडर था एडमंड हिलरी, ये लोग माउंट एवरेस्ट की समिट को पार कर गए थे. ये पास्ट की बात हो रही है ना, आज के दिन मतलब उस दिन की तो बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है. तो ये भी आपके पास प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा. इसी तरह इसके आगे लास्ट ईयर अ लोकल 15-year-old गर्ल बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर एवर टू रीच द समिट. अब उसी तरह इसमें भी बिकेम आ गया, इसमें भी पास्ट की बात हो रही है. तो ये भी आपके पास प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा. आप इसको अंडरलाइन करेंगे इन रेड से लेके सेंचुरी तक, ये अंडरलाइन होगा. ये आपके पास फर्स्ट नंबर हो जाएगा. सेकेंड आपका हो जाएगा इन 1953 से लेके माउंट एवरेस्ट तक, ये आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा सेंटेंस. और थर्ड वन क्या होगा, लास्ट ईयर से लेके समिट तक आपके पास थर्ड नंबर सेंटेंस हो जाएगा. ये तीनों सॉल्व सेंटेंसेस आपने कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ब्स विच आर नॉट इन द सिंपल प्रेजेंट के साथ लिखनी है. इसके आगे आप पेज नंबर 2+3 लिख दें और वहां 2+3 में अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको पता चले कि ये तीनों सेंटेंसेस आपके इस वाले क्वेश्चन के साथ हैं. नाउ व्हाट टेंस आर द वर्ब्स व्हिच आर नॉट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब कहते हैं कि वो सेंटेंसेस जो आपने अंडरलाइन की है ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसमें जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं तो वो कौन से फॉर्म में है, वो कौन से टेंस के बारे में है, पास्ट टेंस के बारे में है. क्योंकि ये देखिए वॉज, ये बिकेम, ये भी बिकेम, ये तीनों आपके पास पास्ट टेंस में आएंगे. तो आप इसके आगे लिखेंगे ऑल द 3 सेंटेंसेस आर इन सिंपल पास्ट टेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट कंपाउंड एडजेक्टिव्स. कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, सही है. अब एडजेक्टिव आपके पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बयान करते हैं, नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट है आपके पास, स्ट्रीट इज अ नाउन. तो अब इस स्ट्रीट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसी दी जाएगी कि वो आया, वो कैसी स्ट्रीट है, इज इट अ क्लीन स्ट्रीट और इट इज अ डर्टी स्ट्रीट. तो ये जो क्लीन या डर्टी,
या ब्यूटीफुल या जो भी है, ये आपके पास एडजेक्टिव होगा जिसने आपको नाउन के साथ मतलब प्रोवाइड किया, उस नाउन के बारे में, उस स्ट्रीट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी कि वो गंदी स्ट्रीट है या साफ स्ट्रीट है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. नाउ लेट्स रीड इट. अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स लिंक्ड बाय अ हाइफन और हाइफंस. जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव है वो आपके पास दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से बनता है जो एक दूसरे में हाइफंस के थ्रू लिंक होते हैं. हाइफंस आपके पास ये डैश है जो कि मैंने ब्रैकेट में ड्रॉ किया है, ये आपके पास हाइफन है. अब कहते हैं अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज यूज एज अ मॉडिफायर बिफोर अ नाउन. एडजेक्टिव जो सेंटेंस में नाउन के पहले आता है वो नाउन का मतलब ही चेंज कर देते हैं, इधर इन अ गुड वे और अ बैड वे. सही है. इन अदर वर्ड्स इट एड्स इंफॉर्मेशन टू द नाउन. मैंने आपको कहा ना कि ये आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर कोई स्ट्रीट है तो वो कैसी स्ट्रीट है, तो उस स्ट्रीट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, एडजेक्टिव प्रोवाइड करता है कि वो डर्टी स्ट्रीट है या क्लीन स्ट्रीट है या ब्यूटिफुल स्ट्रीट है. गॉट इट. नीचे आप एग्जाम्पल्स देखें. द वन ग्रीन टूथ मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर आपके पास नाउन है और इससे पहले जो ये तीन है जो कि हाइफंस, थ्री वर्ड्स हैं ये जो हाइफंस के थ्रू लिंक्ड हुए हुए हैं, ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके आपको मॉन्स्टर के बारे में, आपको नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा मॉन्स्टर है. वो एक मॉन्स्टर है ग्रीन टूथ, मतलब उसके दांत हरे दांत है. सेकेंड वन इज ग्रीन ब्लू एमरल्ड ओशन, ये आपको ओशन के बारे में बता रहे हैं कि वो किस किस कलर के हैं. नाउ आपके पास इधर एक एक्सरसाइज है जो आपने करनी है. फ्रॉम द ईमेल्स, जहां मैंने डॉट लगाया हुआ है, फ्रॉम द ईमेल्स अबव मेक अ लिस्ट ऑफ द सिक्स हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव विच अपेयर इन देम. इसका मतलब है जो कि पीछे हमने ईमेल्स पढ़ी उसमें से आपने सिक्स हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव ढूंढे हैं, जो वो वर्ड जो एक दूसरे में लिंक हुए हुए हैं हाइफन से और जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं. तो इसी तरह जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों ने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग देखे ये लिख देना है. अ डर्टी ब्राउन स्लश, इसमें भी हाइफन आया हुआ है, इसमें आपको स्लश के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो डर्टी है और ब्राउन कलर के हैं. इसी तरह वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरी, कि मतलब वो आर्ट गैलरी तो है, वो दुनिया की मशहूर आर्ट गैलरी है, आपको आर्ट गैलरी के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. डबल डेकर बसेस, आपको बसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कि वो डबल है और डबल डेकर बसेस हैं, जो आपके पास रेड कलर की थी फर्स्ट ईमेल में. फोर्थ वन इज एफ्रो क्यूबन म्यूजिक, आपको म्यूजिक की टाइप बता रहे हैं कि वो कौन से किस्म का म्यूजिक है. 15-year-old गर्ल, जो कि गर्ल है वो कितने साल के है, 15-year-old, तो हमें गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है. फिर है लार्ज हॉर्न्ड एनिमल्स, बड़े सिंगों वाला एनिमल. तो इसी तरह आपने अपने बुक्स पर नोट डाउन कर लेनी है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा.